तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं वीवो के द्वारा लॉन्च किया गया लेटेस्ट फ़ोन वीवो का X60 एंड X60 Pro 5G। आज अपन बात करेंगे वीवो के X60 सीरीज़ के बारे में जो वीवो ने लॉन्च कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं 2 दिन पहले उसका इवेंट हुआ है और यहाँ पर सबसे मेन चीज़ इस फ़ोन में दिया गया है कैमरा। बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है कैमरा तो की। गाइस ये है वीवो का फ्लैगशिप फ़ोन और इसमें वीवो ने अपना हर चीज़ भर भर के दे दिया है, पूरी जान फूंक दी है। कैमरा वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा तबाही है। ज़ाइस के साथ टाई अप हो चुका है वीवो का और कैमरा लेंसेज में बहुत ही ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी लेकर आया। वीवो हमेशा ही कुछ नया करता है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी वीवो में ही सबसे पहले आया था और इसमें फोटोग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ोन लगा मुझे ये। हालांकि प्राइजेस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन अगर आप एक फोटोजेनिक फ़ोन चाहते हैं जिसमें मतलब कैमरा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो तो ये फ़ोन आप लोग ले सकते हैं। नाइट विज़न के लिए भी इसमें कुछ कुछ अलग मोड्स दिए हुए हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ़ोटो आते हैं रात में। इसमें मैं अभी मेरे पास फ़ोन आया नहीं हाथ में लेकिन मैंने इसका कुछ देखा हुआ है जैसे फ़ोटो सैम्पल्स वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसे देखने में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लॉन्च इवेंट के कुछ कुछ वीडियोज़ मैं रखा हूँ, इसमें आप लोग को दिखा देता हूँ। अब प्रोसेसर की बात करें तो इसमें गाइस वीवो के X60 में आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 870 5G का प्रोसेसर। ये नया प्रोसेसर है 5G के लिए और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। जूम करने पर कलर शिफ्ट वगैरह में भी, पिक्सल शिफ्ट, अल्ट्रा HD इमेज, बहुत कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हम जूम करते हैं तो कलर्स बहुत ज़्यादा फट जाते हैं बट इसमें कुछ ऐसे बेयर करके टेक्नोलॉजी यूज़ किया है वीवो ने जिससे वो बिल्कुल भी नहीं फटते हैं पिक्सल्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इसमें जो पोर्ट्रेट मोड है उसके बारे में, वो कुछ अलग है इसमें। इसमें आप लोगों को प्रो पोर्ट्रेट मोड बोल के कुछ मिला है जिसमें आप लोग देख सकते हैं ज़ाइस बायोटर कुछ की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसमें आप लोग देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम फोकस्ड है और बाकी पीछे के बैकग्राउंड अलग ही से ब्लरी से है। और इसमें एक गिम्बल दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक जिसमें आपका 64% तक वो शेक को रिड्यूस कर देता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ क्लिप ऐड कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। और इन्होंने वीवो ने कहा है कि इसमें द बिग कैमरा करके वही मेन कैमरा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अंदर किस टाइप की टेक्नोलॉजी दी हुई है। जो गिम्बल में टेक्नोलॉजी होती है वही टेक्नोलॉजी इसमें दी है। अगर आप फोकस को किसी चीज़ को एक फोकस करके रख देंगे उसके बाद अगर वीडियो आप करेंगे और कितना भी शेक कर लीजिए आप, वीडियो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मतलब 64% तक वो रिड्यूस कर देगा शेक को। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो सैंपल दिखाता हूँ अभी जो मेरे पास आई हुई है वीवो की तरफ से, उसमें आप लोगों को देख के समझ आ जाएगा कि कितना ज़्यादा इसमें स्टेबलाइजेशन है। और इसमें वीवो ने गिम्बल स्टेबलाइजेशन 2.0 का यूज़ किया है। वीवो के V20 में भी था ये फीचर्स, V20 Pro जो करके आया था मॉडल V20 या V20 Pro, और जो X50 था उसमें भी था ये फीचर, बस उसमें था सॉफ्टवेयर से, बट इस बार वीवो ने हार्डवेयर ही यूज़ कर लिया है। इसमें वीवो ने V5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन का यूज़ किया है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ सैंपल, आप लोग देख लीजिए। और अब आप लोगों को मैं कुछ फोटो सैंपल दिखा देता हूँ जो वीवो के द्वारा शेयर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल और रियल आ रहे हैं और फोटो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहा है। इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, फोटो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लावर्स येलो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसमें भी सभी कलर को बराबर प्रॉपर पूरा शो कर रहा है ये फ़ोन, किसी भी कलर को डार्क नहीं कर रहा है जैसे किसी के बहुत सारे फ़ोन में होता है कि ब्लू कर दे रहा है फोटो को या फिर ऑरेंज कर दे रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे है गाइस वीवो के द्वारा यूज़ किया बेयर एरो टेक्नोलॉजी। इसमें मतलब जैसे तीनों कलर को बराबर से ये फोकस करता है, उसके बाद जो जो कलर जैसे जैसे हैं वो सबको ही शो करता है इमेज में। बाकी फोटोज़ बाकी फ़ोन्स में ये होता है कि जैसे ब्लू इस टाइप का दिख जाता है, जैसे सैमसंग के फ़ोन में अक्सर सब ग्रीन सा दिखता है। तो इसमें अगर आप जैसे जूम भी करते हैं किसी फ़ोटो को तो उसका भी कलर बराबर आपको वही दिखेगा, नहीं तो बाकी फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं कलर जूम करने के बाद वो ब्लैक एंड वाइट सा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में वीवो ने पूरी डिटेल बताई हुई है। इसमें ये सभी कलर्स को डिटेक्ट करता है उसके बाद इमेज में शो करता है ये। और यहाँ पर हमें वीवो के X60 Pro में एक और नया फीचर मिल जाता है जिसमें हमें मिल जाता है पिक्सल शिफ्ट अल्ट्रा वाइड इमेज, जिसमें आप लोग देख सकते हैं वाइड एंगल पे जैसे जूम करके हम लोग देखते हैं
हैं। इसमें फोटोज़ को आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक ऑर्डनरी है एक साइड और एक साइड है पिक्सल शिफ्ट अल्ट्रा एचडी इमेज। तो अल्ट्रा एचडी इमेज में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी सैचुरेशन टाइप का नहीं दिख रहा है, कुछ डार्क डार्क सा नहीं दिख रहा है, बराबर प्लेन दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से पिक दिख रहे हैं। और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट फ़ोन है ये इंडिया में जो नाइट फोटोग्राफी को इतना ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर इसका रीज़न बता दिया जा रहा है वीवो के द्वारा, इसमें लार्ज अपर्चर दिया है, मतलब अपर्चर को बढ़ा दिया गया है वीवो की तरफ से। जैसे अपर्चर नॉर्मल फ़ोन में 1.6 होता है तो इसमें 1.48 तक दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, जिससे ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और लाइट मतलब ऐसा भी नहीं कि ब्राइटनेस एकदम अजीब अजीब से वाइट वाइट से दिखेगा, बल्कि क्लियरली बराबर जो जैसा लाइट होना चाहिए रियल में वही है। इस टेक्नोलॉजी को वीवो ने AOA टेक्नोलॉजी कहा है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं लेंसेस है यहाँ पर 4-5 छोटे छोटे फोकस करके, जैसे दूरबीन में होता है उस टाइप का कुछ है, जिससे वो कलर वगैरह बराबर दिखते हैं, डार्क लाइट में भी अच्छे आते हैं एकदम फोटोस। यहाँ पर सैंपल भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही वीवो ने यहाँ पर यूज़ किया है AI नॉइज़ कैंसिलेशन एल्गोरिदम को, जिसमें मतलब जैसे कि आप लोग रात को देखेंगे तो वो अपन रात को फोटो क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा नॉइस आता है, डार्क डार्क सा चिटी चिटी टाइप का, लेकिन इसमें वीवो ने वो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं आता है, वो फोटोज़ पूरे क्लियर दिखते हैं। और ऊपर से इसमें यूज़ किया गया HDR सुपर नाइट पोर्ट्रेट, मतलब जैसे आप रात में अपन पोर्ट्रेट फोटो लेते थे तो पूरा ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड सब मिक्स हो जाता था, लेकिन इस फ़ोन में ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को अलग फोकस कर लेता है फ़ोन और बराबर उसको फोकस्ड रखता है, और बैकग्राउंड को एक अलग शेड अलग कलर में रखता है जो पूरे ब्लर रहते हैं। एग्जैक्ट डिटेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं फोटो एकदम ज़्यादा वाइब्रेंट आ रहे हैं। और अब फ़ोन के लुक की बात करें, बॉडी की बात करें, तो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा स्लिम है गाइस। जो X60 है वो 7.36 mm का है और जो हमें X60 Pro मिलता है वो 7.59 mm का है, ये थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है इसका, बट ठीक है गाइस फिर भी बहुत स्लिम है। और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो इसमें हमें मिल जाता है AMOLED डिस्प्ले विद साइड नॉचेस, मतलब जिसे डिस्प्ले ने 3D कर्व डिस्प्ले कहा है। और एक नई टेक्नोलॉजी इसकी है COP स्क्रीन फिटमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें बिल्कुल भी आपको बेजल देखने को नहीं मिलते हैं, एकदम पतले पतले राइट साइड और ऊपर भी बहुत ज़्यादा पतले बेजल देखने को मिल जाते हैं। और कलर की बात करें तो इसमें डुअल टोन सेटअप मिल जाता है, आप लोग जानते ही हैं जैसे वीवो के V20 Pro में भी था सनलाइट करके एक कलर आया था जिसमें भी डुअल टोन दिखते थे, धूप में अलग और ऐसे डार्क लाइट में अलग दिखते थे। और गाइस जब प्रोसेसर की बात करते हैं इसमें हमें मिलता है 870 का 5G प्रोसेसर, जो भी एकदम नया प्रोसेसर है वीवो ने इसे यूज़ किया हुआ है, वीवो हमेशा ही कुछ नया करता है। इसमें हमें मिलता है कायरो 585 ऑक्टाकोर का 3.2 GHz का प्रोसेसर, 3.2 GHz मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है गाइस। और गाइस इस फ़ोन में हमें एक नया फीचर देखने को मिला है जो अभी तक शायद ही इंडिया में किसी फ़ोन में है, इसमें आप लोग रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब इसमें 3 GB का आपको एक्सटर्नल रैम मिलेगा अलग से। जैसे कि आपका फ़ोन 8 GB रैम का है तो उसको आप 11 GB कर सकते हैं जैसे हैवी गेमिंग कर रहे हैं तो, और आपका फ़ोन अगर 12 GB रैम का है तो उसको आप 15 GB कर सकते हैं। और गाइस स्मूथनेस इसमें टच की बात करें तो टच रिफ्रेश रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, 120Hz का टच रिफ्रेश रेट दिया हुआ है इसमें, जैसे ही आप टच करेंगे स्मूथली। और इसमें HDR+ वगैरह का भी सपोर्ट है डिस्प्ले में, और DCI-P3 करके एक नई टेक्नोलॉजी भी ऐड की हुई है जिसमें आप लोग कलर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेंगे और आप लोगों को गेमिंग वगैरह में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मूवीज़ वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखने वाले हैं गाइस। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मैं बस आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि फ़ोन में क्या क्या दिए हुए हैं। फ़ोन मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा गाइस, हालांकि रेट थोड़े ज़्यादा है बट फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और गाइस मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी कर सकता हूँ अगर फ़ोन मेरे पास आया तो, अभी तो मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो शायद मुझे फ़ोन मिलने में टाइम लगे, इसलिए मैंने यूट्यूब से ही कुछ कंटेंट उठाकर इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।